के न्यूज चैनल सच का साथ की सबसे बड़ी खबर आ रही है उन्नाव उत्तर प्रदेश से। संसदीय खेज और जहां पर चुनौती पूर्व दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले अभियुक्त गढ़ों ने आपको बता दें कि पुलिस ने उन्हें किया गिरफ्तार। देखिए हमारे पूरी रिपोर्ट। अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ और पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज के कुशल निर्देशन, पुलिस अधीक्षक उन्नाव के कुशल पर्यवेक्षण में रेंज सर्विलांस टीम और स्वाट सर्विलांस टीम और असोहा पुलिस टीम द्वारा मुआसा संख्या 29/21 धारा 302/201 IPC जिसमें 3 लड़कियों को जहर दिया गया था, जिसमें 2 लड़कियों की मृत्यु हो गई थी और 1 लड़की की कानपुर में रेजेंसी अस्पताल में गंभीर हालत भर्ती कराया गया था जिसका उपचार चल रहा है। जिसके घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त विनय कुमार उर्फ लंबू पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम पाठकपुर थाना असोहा जनपद उन्नाव और अभियुक्त राजू निवासी ग्राम पाठकपुर थाना असोहा जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया है। ये समय बता रहा है उस समय CDR एनालिसिस में इसकी उपस्थिति उस जगह पर पाई गई है। लड़कियों के पास क्या मोबाइल्स थे वहाँ पर, तीनों लड़कियों के पास, और इनकी कंटिन्यूस बात होती थी? जैसा कि इसने बताया है, इसने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा था लेकिन लड़की के द्वारा अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया गया था और इसको झटक दिया गया था। और लड़की की कास्ट क्या है? लड़का जो विनय है वो धानुक जाति से है और जो इसका दूसरा साथी है वो रावत जाति से है। रावत जाति से। तो जब दोनों की मैडम दोस्ती थी, ये लोग लगातार बैठते थे, तो प्रपोजल को ठुकराने की कोई खास वजह इस लड़के ने बताई है क्या? इसने एक वजह बताई है जो कि उस लड़की द्वारा इसको बताया गया था, लेकिन उसका अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। लड़की की निजता का ध्यान रखते हुए उस रीज़न को अभी हमारे द्वारा नहीं बताया जा रहा। कोई ये भी बता रहा था, जैसे हम लोगों ने परिवार वालों से बात की थी कि जो फोन जिसकी जिक्र हो रहा है कि उसने नंबर मांगा था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो मोबाइल ही उसने लड़के ने ही उस लड़की को दिया। इसका तस्दीक किया जा सकता है। अभी तक जो उसने मैंने जो आपको बताया है, इस विनय के द्वारा जो अपना कन्फेशन हमें दिया गया है, उस कन्फेशन के हिसाब से ही आपको बताया गया है। उसके कन्फेशन के कुछ हिस्से हैं जो हमारे अब तक की तफ्तीश से मिलते हैं। ये तथ्य अगर आपने बताया है, इसको विवेचना में शामिल करके आगे पड़ताल की जाएगी। हमारी विवेचना अभी जारी है। आप ये इंडिकेट, इसके पूरे बयान का कोरोबोरेशन जब हम कर लेंगे तो आपको नई बुलेटिन भी जारी करेंगे। आप ये इंडिकेट कर सकती हैं क्या कि चूँकि नाबालिग हैं तो नाम बेशक आप नहीं बताएंगी, कौन तीनों में वो कौन सी लड़की है जिसके जिसके साथ उसके संबंध है? जिस बच्ची का भी इलाज चल रहा है उससे इसको प्यार था। विनय को? जी हाँ, तीनों बच्चियों की फ़ोटो इसको दिखाई गई थी ताकि तस्दीक किया जा सके और तीनों को इसने बताया है, आइडेंटिफाई किया है, और जिस बच्ची का भी इलाज चल रहा है उसके साथ इसने अपने संबंध, अपना एक तरफा प्यार होना बताया है। सिर्फ प्यार तक की ये बात थी या किसी तरह के और जोर जबरदस्ती के संबंध भी सामने आए? नहीं, जोर जबरदस्ती की बात से ये मुकरा है और यही इसके संभवतः आक्रोश का कारण भी रहा है। आज लड़की की मां ने ये आरोप लगाया है कि उनकी बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है, क्या इन अपराधियों से बातचीत में कोई क्या ऐसी बात सामने आई? PM रिपोर्ट में जैसा मैंने कल बताया था आपको, किसी भी तरह की जाहिरा या गुम चोट नहीं पाई गई थी, किसी भी तरह के असॉल्ट के लक्षण नहीं पाए गए थे और इसके स्टेटमेंट में भी किसी प्रकार के असॉल्ट की बात नहीं कही गई है। घटना के दौरान किसी लड़की के पास मोबाइल था? इस बात की मौके से पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि घटना में लड़कियों के पास सबसे पहले उनके पारिवारिक जन पहुँचे थे, उन्होंने उन बच्चियों को वहाँ से उठाया था, गाड़ी पर लाद के अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी। गांव के किसी एक सबरान व्यक्ति के द्वारा पुलिस को खबर दी गई थी। पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं थी। घटना पर बच्चियां जब खेत में पड़ी थी तब मौके पर नहीं पहुंची। तो मैम, फैमिली अभी अलेज कर रही है कि FIR में सब डिटेल्स नहीं है कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो एक उसके ऊपर एक पड़ी हुई। फैमिली से बात हुई है, फैमिली ने जैसा हमें लिख कर दिया था, जो भी तहरीर दी थी, हमने उसी के हिसाब से ही FIR लिखी थी। 302/201 की धारा लगाई थी, अज्ञात में उन्होंने लिखवाया था, हमने अज्ञात में ही लिखा था, और जिस घटना में जो जैसा उनको बच्चियां मिली थी उन्होंने उसी का वर्णन देते हुए हमें FIR लिखवाई थी। इसलिए
फैमिली के द्वारा जो भी हमें बताया गया था तथा उनके जो भी बयान आए थे उसके अनुरूप ही हम लोगों ने अपनी तफ्तीशें आगे बढ़ाई थी। आपके मुताबिक अब ये पूरा केस क्रैक हो चुका है? नाउ अभी हमारी विवेचना जारी है, प्रचलित है। अभी हमको जो कन्फेशन प्राप्त हुआ है हम उसको तस्दीक करा रहे हैं। चूँकि ये आज ही अरेस्टिंग हुई है इसलिए इसके कन्फेशन के एक एक हिस्से का हम सत्यापन कराएँ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन